हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है निसर्ग और मेरी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की स्टूडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हीरो गायब मोड ऑन के शिवाय का बीजीएम वॉकबैंड ऐप पे कैसे बजाते हैं। तो मैंने आपको इसमें पूरा इसका ट्यूटोरियल दिया हुआ है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम जाएंगे मल्टी ट्रैक सिंथ में, न्यू सॉन्ग सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नाम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम मेजर सिलेक्ट करेंगे 50 के और बीपीएम सिलेक्ट करेंगे 120। यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अभी हमें सबसे पहले इसका बेस तैयार करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे प्लस के आइकॉन पे, कीबोर्ड, कीबोर्ड में हम लेंगे लो स्ट्रिंग्स करके जो है वो लेंगे, क्योंकि ये तो उसमें अभी हमें क्या बजाना है, तो ये जो की है उसे कंटिन्यूसली प्रेस करके रखना है। तो रिकॉर्डिंग के साथ देखिए, तो मेट्रोनोम को ऑन करते हैं और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। को स्टॉप करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा लाइटली बेस तैयार हो चुका है, अभी हम इसके बीट्स तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्लस के आइकॉन पर टैप करेंगे, ये जो ड्रम पैड है उसमें जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट में हम सिलेक्ट करेंगे डांस, आप देख सकते हैं डांस है, डांस को सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें इसमें से कौन से बीट्स चाहिए वो आप देख लीजिए। तो हमें चाहिए ये और ये, और एक बार देख लीजिए कौन से बीट्स चाहिए हमें, चाहिए ये, सॉरी ये नहीं, ये और ये। तो अभी हमें बजाना कैसे है वो आप देखिए। पहले तो हमें नॉर्मली जो नॉर्मल बीट्स रहता है वैसे ही बजाना है, ये पूरा नॉर्मल बीट की तरह ही बजाना है। कैसे बजाना है, ऐसे बजाना है। तो आप स्लोली देख लीजिए एक बार, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो उसको रिपीट कर रहे हैं। कैसे, तो इसको 6 बार बजाना है, बाद में हमें बजाना है ऐसे। कैसे, एक बार देख लीजिए, ऐसे। तो अभी हम रिकॉर्डिंग के साथ देखते हैं। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेंगे, बैक आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 2 लेयर बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम बजाएंगे इसका मेन ट्रैक जो कि बजेगा कीबोर्ड में। तो इंस्ट्रूमेंट में हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला इंस्ट्रूमेंट, आप इसका साउंड देख लीजिए। तो अभी हमें इसको बजाना कैसे है वो आप एक बार देख लीजिए। तो इसको मैं आपको पूरा स्लोली दिखाता हूँ कैसे बजाना है। पहले ये दबाना है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, तो देखिए
इसको दो बार बजाना है, कैसे? और एक बार पूरा स्लो में देखिए, और वही जो मैं अभी बताऊंगा स्लो में उसको आपको कंटिन्यूसली रिपीट करना है, तो कैसे बजाना है देखिए। तो ऐसे बजाना है। तो अभी हम रिकॉर्डिंग के साथ देखते हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। आपने देखा हमने पूरा ये बजा लिया है, आप देख सकते हैं थर्ड लेयर भी हमारा ऐड हो चुका है। अभी हमें इसको ही और दूसरे प्लगइन्स में बजाना है, मतलब बजाना सेम है पर इंस्ट्रूमेंट हमारे अलग अलग होंगे। तो अभी पूरा बजाने के बजाय इसमें आपको मैं ट्रिक देता हूँ, तो उसमें आपको क्या करना है, वो इंस्ट्रूमेंट में जाना है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद सिर्फ आपको कौन सा भी एक एक बटन दबाना है जिससे हमारे यहाँ पे एक लेयर ऐड हो जाए। तो कीबोर्ड में जाएंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पे एक लेयर भी बन चुका है। तो इसे हम अभी यहाँ से डिलीट करेंगे और इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे हम मूव करके इसको पूरा आगे तक लेके आएंगे। आप देख सकते हैं हमारा दो ऐड हो चुका है इसको। तो अभी हम इसका इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे और ये जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे हम। तो अभी हमें इसमें क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्टिव एक चेंज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये चूज करेंगे और ये ऑक्टिव में जाके ये एक माइनस कर देंगे। तो अभी हम इसको ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा दो लेयर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अभी आप चाहें तो उसमें और ऐड कर सकते हैं, मतलब और इंस्ट्रूमेंट सेम बजाते हुए ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें ज़्यादा नहीं करना चाहता। तो अभी हमें एक लास्ट ट्रैक इसमें ऐड करना है जो कि रहेगा लास्ट बीट का। तो ड्रम पैड में जाएंगे, यहाँ पे हम चूज करेंगे ईडीएम किट। अभी हमें इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये और ये और ये। तो अभी इसमें भी सेम ही बजाना है हमें, बस इसमें हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो अभी इस उसमें कैसे बजा रहे थे हम डांस वाले में, ऐसे इसमें कैसे बजाना है, मतलब ये एक बार सब में ये सॉरी ये, या फिर आप इतना ही कर सकते हैं। तो अभी हम रिकॉर्डिंग के साथ देखते हैं। हमारा पूरे यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इसका जो ट्रैक वॉल्यूम है वो हमें थोड़ा सा कम कर देना है और इसका EDM किट के भी ट्रैक वॉल्यूम थोड़ा कम कर देना है। तो अभी हम यहाँ पे इस एरो को दबा के सेव एडिटिंग ओके कर देंगे। यहाँ पे MP3
में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ सकते हैं, यहाँ पर हमारा बनकर आ चुका है, अभी हम बैक चले जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। थैंक यू।